तो आज मैं जा रहा हूँ जिसका मैं रो दिला हूँ भाई से बात करने। खोलो भाई। चलो कैसे है भाई? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हैं? रूम अच्छा लग रहा है ना? हाँ, थोड़ा रूम का टूर करवा दो ऑडियंस को। ये देखिए भैया, ये मेरा किचन है। किचन है तुम्हारा? हाँ जी। किचन में क्या क्या खाना बनाते हो? किचन में बस जो जो है सब बना लेते हैं, कभी आलू, कभी प्याज, कभी पनीर, कभी सोयाबीन, हर एक चीज बनता है भैया किचन में। बनाने आता है ना सब? हाँ भैया जरूर, आप भी कभी आइए खाने के लिए हमारे किचन पे। चलो आगे चलते हैं भैया। और आगे दिखा, आगे आइए। पहले थी हमारा वॉशरूम है, छोटा जैसा वॉशरूम है तुम्हारा ना, मतलब बाथरूम आगे में है और इधर है वॉशरूम ना, उसको खोल दो, थोड़ा खोलो तो उसको। जरूर। वॉशरूम का लाइट देखो, ये वॉशरूम है इसका। और बेडरूम दिखाओ, हॉल रूम दिखाओ पहले। आइए भैया जरूर, ये मेरा हॉल रूम है जहाँ पे हम अपना स्टडी भी कर लेते हैं कभी कभी। ये स्टडी टेबल है ना, बालकनी अटैच है, इसी के साथ अटैच है ना? हाँ। चलो और आइए फिर भैया बेडरूम में हमारे। इसका बेडरूम है, बेडरूम बड़ा जैसा, मतलब ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल बेडरूम है इसका। हाँ जी। और इधर अलमीरा टाइप का बना हुआ है, और अलमीरा पे भगवान जी का भी, यहाँ पे महादेव जी है, इनका भी दर्शन थोड़ा कर ही लो तुम सब। और ये भाई का पूरा रूम हो गया, तो रूम काफ़ी अच्छा है, बाहर भी देख सकते हो, मतलब व्यू काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो रूम का देख सकते हो, लाइटिंग भी पूरा सेट करके रखा है बंदा, तो बहुत मस्त है। तो ये आपका 2 BHK का है, वॉशरूम आपका ये हो गया, ये आपका वॉशरूम का स्पेस है, और ये आपका बेडरूम का स्पेस है, और इधर आपका थर्ड बेडरूम का स्पेस है, और आपका ये किचन है, और बालकनी ये है आपका। तो भाई बैठो, तो कैसा लगा ये रूम? बहुत बढ़िया, मैं जैसा चाह रहे थे एकदम वैसा ही मिला है, एकदम जैसा दिल को खुश करने वाला रूम है। अच्छा तो पहले बताओ कि तुमको रूम कैसे मिला? हमको रूम मिला था, पहले सबसे पहले हम आपसे कांटेक्ट किए, पहले आपका रील देखे, उसके बाद फिर आपको यूट्यूब पे नंबर लिए, फिर उसके बाद आपसे कांटेक्ट किए, उसके बाद फिर आपने रूम दिखाया, वीडियो भेजा। तो मेरे यूट्यूब पे तुमको बहुत सारा वीडियो मिला हुआ, मेरे से ही क्यों लिया? क्योंकि भैया आपने अफोर्डेबल प्राइस में दिलाया, सबसे कम प्राइस में दिलाया, सबसे अच्छा रूम जैसा मैं चाह रहा था एकदम वैसा ही, सबसे अच्छा कम प्राइस में, इसीलिए आपके पास है। तो मेरे पास ही तो आया, तो सही बात है। बाकी तुमको कैसे लगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करूँगा? क्योंकि मैं आपका रील देखा था, आपके ऊपर भरोसा हुआ। भरोसा हुआ ना। तो कितना बजट का तुम्हारा जो रूम है, जो रूम है कितना बजट का है? ये मेरा 4,000 का है। कितना सिंगल लोग रह रहे हो ना? हाँ सिंगल। तो क्या मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे तो अभी स्टडी करने आए, पढ़ाई करने आया हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग कर रहे हो ना? फ्रीलांसिंग मतलब क्या, ऑनलाइन पैसा कमाने का? हाँ। फ्रीलांसिंग मतलब जो होता है यूट्यूब, और क्या बोलना चाहोगे जो मेरे साथ? तो रूम खर्चा और ये सब बहुत सारा निकाल लोगे, अभी थोड़ा 4-5 महीना 6 महीना मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद में घर से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, क्योंकि घर से पैसा मांगने में थोड़ा अजीब लगता है। सही बात है, बस इसीलिए काम स्टार्ट किया। थोड़ा बच्चा रहता है तो कोई अच्छा नहीं लगता है, मतलब कोई बुरा नहीं लगता, बाकी थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं, तो थोड़ा खराब लगता है। माँ बाप को खराब नहीं लगता है, बाकी हम सबको खुद में फील होता है। तो फाइनली भाई को रूम मिल गया, आराम से रह रहा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी जितना दिन पटना हो रहा तो इसी के रूम पे शिफ्ट कर। तुमको जरूर भैया कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम आ सकते हैं, बड़े भाई जैसे हैं। तुमको नहीं लग रहा कुछ सामान वामान चढ़ा हुआ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सामान ही क्या जो आप चढ़ाइए अभी ऐसे भी ऐसे भी इससे ज्यादा मेरा ही सामान है। तो अभी मैं अपने दोस्त के रूम पे रह रहा हूँ, तो फाइनली भाई को रूम मिल गया, तो भाई खुश है, और इसको इधर आसपास लाइब्रेरी भी मिल गया। तो आया और मेरे साथ एक करोड़ वाला काम, और उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में मैं बस यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि कृपया आप लोग YouTube पे जाके भैया का सब्सक्रिप्शन लेके नंबर लें, किसी भी अन्य नंबर पे कॉल ना करें और ना मैसेज करें, रिप्लाई दें, इसको भी करोड़ वाला कॉल नहीं कर सकता है। इसके साथ हुआ था भाई, मतलब होने वाला था, बच गए, और बहुत लोग के साथ हो रहा है, इसलिए डायरेक्टली यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर लीजिए, कॉल नंबर लीजिए, जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट कीजिए, तो आपको सारा डिटेल्स मिल जाता है। और इंस्टाग्राम में बहुत लोग तुमको मैसेज करेगा कि नंबर दीजिए, अमित भैया हूँ, ऐसे हूँ, नहीं, मेरा यूट्यूब पे ही नंबर मिलेगा, वहीं से नंबर लीजिए और